तो आज हम बात करेंगे पार्ट टू की, मोशन सीरीज के पार्ट टू की बात करेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, स्पीड विद डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दो चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और मोशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, और इसमें साथ साथ में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब भी बातें आ चुकी हैं। अगर ये नहीं देखी वीडियो तो ये आई बटन आ गया होगा, यहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का, पहले वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वो जरूर देखना पहले, उसके बाद ही आज की वीडियो देखना। तो बिल्कुल शांत और अच्छे से बात करेंगे, शांत होकर के, स्पीड विद डायरेक्शन की, स्पीड विद डायरेक्शन क्या, स्पीड के साथ डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया। अभी स्पीड के साथ डायरेक्शन क्यों लगाई, तो स्पीड के साथ डायरेक्शन इसलिए लगाई ताकि जो हमारी जो स्पीड है वो इंफॉर्मेटिव हो जाए, इंफॉर्मेटिव हो जाए मतलब इससे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलना। कि स्पीड की बात करें, कि स्पीड की मैं पूछो भी तुम्हारी कार कितनी स्पीड पर चल रही है, किसी का भी आंसर हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार चल रही है। कहां जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहे, कहीं तो जा रहे हो, तो 50 की स्पीड पर अगर तुम चल रहे हो, साथ में कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 50 की स्पीड, ये तो स्पीड है, अब ये डायरेक्शन है, ये स्पीड हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ओके। तो स्पीड जो कि हमें वैल्यू बता रही है कितनी स्पीड है, इसको इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो कि हमारे पास डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से जो हमें मिला उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। सिंपल सी बात है कि अगर डायरेक्शन भी आ जाए ना तो बात करेंगे वेलोसिटी, इतनी सी बात है। अब डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन लेंगे, यहां पर हम यहां नॉर्थ साउथ की बात करेंगे, ओके, या ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे, कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में तो इतने पता नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे ये वाली डायरेक्शन होगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और क्या डायरेक्शन हो सकती है। नाइन्थ क्लास की बात करें तो नाइन्थ क्लास में डायरेक्शन का ज्यादा कोई खेल है नहीं, सिर्फ एक ही चीज है डायरेक्शन की बात करें तो, जो हमारा जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर का नाम है मोशन, और जो छुपा हुआ जो नाम है इसका वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ज्यादातर चैप्टर हमारा, ज्यादातर कॉन्सेप्ट इसके मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही है, कि अगर कोई भी कार वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी मोशन कैसे होगी, तो हम उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई कार चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे चल सकती, ऐसे ऐसे, या ऊपर नीचे, या ऐसे आगे पीछे, तो ये हो सकती है स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें जो अगर कार यहां से चलना शुरू करती है तो वो हम ओरिजिन लेंगे, और हमने मान रखा ऐसा कि इससे राइट साइड में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, ये सारे पॉजिटिव, ये सारे नेगेटिव। तो मोशन जो कि वेलोसिटी की बात करें, मतलब स्पीड के साथ अगर बात करें डायरेक्शन की भी, मतलब ये है जो कार है वो कार राइट साइड में चल रही है 50 की स्पीड पे, राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में 50 की स्पीड पे चल रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर प्लस में होगी। ये जो प्लस है, ये प्लस हमें डायरेक्शन बता रहा है बच्चों, सिंपल सी बात। अगर कहीं पर हम देखें कि -40 की स्पीड है, -40 की कोई बोलता है स्पीड है, तो 40 तो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू कितनी है, वो 40 है। ये जो माइनस का साइन है ये हमें बताएगा डायरेक्शन, जो हम जनरली लेफ्ट साइड में या पीछे की तरफ, ओके, इन डायरेक्शंस को लेते हैं, तो ये डायरेक्शन हमें कौन बता रहा है, माइनस का साइन बता रहा है, ये स्पीड विद डायरेक्शन, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्पीड, स्पीड विद डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, सिंपल सिंपल बात करेंगे, ज्यादा घुमाएंगे बातों को। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि अगर कोई कार
एक यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी चेंज करी। अगर कोई कार यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी चेंज करी, बात जैसे जैसे भी कि पहले सेकंड उसकी कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ये पहले सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे उसकी स्पीड हो जाती है कितनी 20 मीटर पर सेकंड, ये दूसरे सेकंड पे हो जाएगी, तीसरे सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, चौथे सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो इन 4 सेकंड्स में उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी तो लिख लिया, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं वी ए वी, वी फॉर वेलोसिटी, ए वी फॉर एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 4 सेकंड में एक फिक्स तो थी नहीं, तो एवरेज एवरेज कितनी होगी इसकी एवरेज एवरेज स्पीड, उसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी भाई इस टाइम पीरियड में 4 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10, फाइनल कितनी 40 और डिवाइड बाय 2, कुछ ऐसे करेंगे। ओके, तो इसके लिए एवी ए वी का फॉर्मूला क्या होगा, यू प्लस वी डिवाइड बाय 2। तो यू हमारा 10 जो पहले थी वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, और फिर फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2, तो 50 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 और ये कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ये बात है भी, अगर कोई भी कार है वो एक यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी चेंज करिए, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी ले लो और फाइनल वेलोसिटी ले लो, उनको ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा 10 और 40 के बिल्कुल ठीक बीच में, नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा 25 आएगा यहाँ, तो बीच वाली वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी वो कितनी होगी, वो 25 वेलोसिटी होगी, इसमें सिर्फ इतना सा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बात करेंगे रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना, जैसे मैं बात कर रही चेंज हो रही वेलोसिटी, पहले सेकंड इतनी थी, दूसरे सेकंड इतनी थी, तीसरे सेकंड इतनी थी, चौथे सेकंड इतनी थी, रेट इसका एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। अब कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक सेकंड में ना, एक सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी या वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। कहीं भी चेक कर लो, यहाँ पर एक सेकंड का डिफरेंस है तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी एक सेकंड का डिफरेंस है तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस आ गया, इसमें 20 और 30 में, यहाँ और यहाँ, तो ये यूनिफॉर्म रेट है। इसी का दूसरा नाम है, ये एवरेज वेलोसिटी को छोड़ के सिर्फ इसी का दूसरा नाम है एक्सेलरेशन। जो हम कार में एक्सेलरेशन देखते हैं ना, कार एक्सेलरेट करती है, सेम वही चीज है, तो उसे देखते हैं एक बार क्या है। तो देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। चलो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, जैसे भी हमारी कार है, कार चलनी शुरू करी, कार ने चलना शुरू किया, अभी भी तो कार स्टार्ट करी और चलना शुरू करी, तो पहले कार की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी कार की, जिसको हम यू से लिखते हैं, वो 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर आर जितनी भी होगी 0 मीटर पर सेकंड होगी। और भाई कार ने चलना शुरू किया 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड की बात करें, आफ्टर 10 सेकंड्स 10 सेकंड बाद जो वेलोसिटी हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है, इसको फाइनल वेलोसिटी क्या होती है भाई, एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के एंड में वेलोसिटी कितनी है वो फाइनल वेलोसिटी है, और बिगिनिंग ऑफ टाइम मतलब टाइम के शुरुआत में वेलोसिटी कितनी वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मान लेते हैं भाई कितनी पहुंच गई है, 20 मीटर पर सेकंड पहुंच गई, 10 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच गए, तो एक्सेलरेशन अब कितना चेंज आया, एक्सेलरेशन कितना होगा। कोई कार तो है जो 10 सेकंड में इतनी स्पीड पकड़ लेगी, कोई कार है जो नहीं पकड़ सकती, या कोई कार भी जो 10 सेकंड में
50 मीटर पर सेकंड की भी स्पीड पकड़ ले। डिपेंड करता है इंजन कैसा कार का और कार के पास कितनी पावर है, हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर का इंजन है, उन सब पे बात करते हैं। तो वो चीजें रहती हैं, कार का पिकअप कितना, कितने पिकअप की कार है, तो कितने पिकअप की कार है ना, उसका मतलब ये है कि तुम्हारी कार कम टाइम में कितनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ सकती है। ओके, एक फिक्स टाइम करते हैं, इस फिक्स टाइम में कार कितनी ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी स्पीड पकड़ सकती है, वो पिकअप। और उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, कि कितना एक्सेलरेशन आ सकता है, कि कितनी देर में कितना एक्सेलरेशन है, कितनी देर में कितनी स्पीड में चेंज आ सकता है, वो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले तो बात करें भाई चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या, टाइम। टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। मतलब 10 सेकंड में इतना चेंज आया है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि एक सेकंड में कितना चेंज आया, 10 सेकंड के लिए हम क्यों निकाले, हम एक सेकंड के लिए निकालेंगे, तो एक सेकंड में कितना चेंज आया उसके लिए हम क्या करें, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकलता है, चेंज निकालने के लिए क्या रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 फाइनल। अभी कितनी है और पहले कितनी थी, माइनस करेंगे तो चेंज मिल जाएगा कि कितना चेंज आया, तो चेंज कितना आएगा, 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। 2 क्यों करेंगे, अभी 2 लिख दिया, टाइम आएगा ना टाइम, तो टाइम कितना, 10 सेकंड्स का टाइम था हमारे पास, तो 10 बाय 10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स भी आ गए ना, यूनिट्स के बारे में बात करेंगे भी, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये है कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई है। मतलब ये है कि अगर पहले सेकंड में 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 है तो दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 11 होगी। समझ में आया, अगर दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 11 है तो तीसरे सेकंड में वेलोसिटी 12 हो जाएगी। एक एक का चेंज आएगा हर सेकंड, एक 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 मीटर पर सेकंड का चेंज आता रहेगा, ये हमारा एक्सेलरेशन। इसको और देखते हैं डिटेल में भी, और क्या क्या इसमें जुगाड़ हो सकता है वेलोसिटी में, और क्या क्या कर सकते हैं। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये बात की। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मतलब क्या, चेंज वी माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। तो वी माइनस यू करें तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करूंगा तो वेलोसिटी ही मिलेगी। ओके, तो वो वेलोसिटी मिली डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड। ओके, तो इसकी टोटल ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड इनटू ये वाला जो है ये भी ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, ये क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ये हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमारे पास जो क्वेश्चन था वो घुमा के आएंगे। क्वेश्चन में क्या आएगा भाई, किलोमीटर पर आवर को तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमें हमेशा सेकंड्स में मिलेगा, कि क्योंकि हमारे जो वेलोसिटी जो चेंज होती है ना, अगर कार भी किलोमीटर पर आवर स्पीड में तुम चल रहे हो तो सेकंड्स में कार की स्पीड चेंज होती है, तो उसमें भी हम क्या टाइम सेकंड्स में लेंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस में। तो आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगले चैप्टर में इसे सॉरी अगले चैप्टर में इससे अगली वीडियो में बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन को अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा। आज के लिए इतने